दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नारियल का तेल, और ये बिल्कुल प्योर है और इसे बिना फ्रिज की मदद से हम निकालेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कच्चा नारियल, यानी पानी वाला। जब आप ऐसे बजा कर देखेंगे तो इसके अंदर पानी पानी है, यानी कि ये फ्रेश नारियल है। तो इस पे जो ये कवर है, इस तरीके से मैं निकाल कर रखी हूँ, तो इसे छीलना भी बहुत आसान है। ये देखिए, ये प्लास जो है लगभग घरों में रहता ही है, तो इस तरह से पकड़ करके बस इसे ऐसे घुमा दीजिए। इस तरह से, और इसी तरह से जो भी कवर है इसको हम पहले हटा लेते हैं। और आपने देखा होगा लगभग नारियल में इस तरह से तीन आंख बना रहता है, तो इन तीनों में से एक जो होता है वो काफी नरम होता है। तो आप चाकू से इस तरह से करके देखेंगे, देखिए ये नरम होल है। तो यहाँ से हमें इस तरह से होल करके और इसका पानी निकाल कर, मैं नारियल को पहले पानी निकाल दूंगी, फिर नारियल को फोड़ करके दो पीस में कर लेंगे। इस तरह से होल बना लेना है और फिर यहाँ पे पानी हम निकाल देंगे, और इस पानी को छान करके आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से निकालने के बाद इसे चाकू से आराम से इस तरह से घुमा दीजिएगा तो ये पूरा निकल जाता है। अगर किसी किसी में नहीं निकला, ऐसा होता है किसी किसी में नहीं भी निकलता है, तब हमें यहाँ बीच से, ये देखिए इस तरह से निकल गया। अगर किसी किसी में नहीं निकला तो यहाँ से इस तरह से आराम से इस तरह से कट लगा करके और इस तरह से पीस बना करके निकाल लेते हैं। एक पीस निकल गया तो फिर आराम से निकल जाता है। और फिर इसे पहले छील लेंगे और फिर धो देंगे, क्योंकि ये जो ब्राउन कलर का कवर है वो तेल को खराब करेगा, यानी देखने में अच्छा नहीं दिखेगा। इसके जो ये ब्राउन कवर है, इसको बहुत आसान तरीके से इस तरह से छील करके निकाला जा सकता है, जिस तरह से हम आलू या किसी सब्जी को छीलते हैं, बस इसी तरह से आप इसे छील लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा छील कर रखी हूँ, बिल्कुल इस तरह से छील लेना है और इसे एक बार अच्छे से फ्रेश करके धो देना है। और अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास चिप्स कटर है, इसकी मदद से हम इसे बिल्कुल इस तरह से काट लेंगे, जिससे कि जार में घुमाने में दिक्कत नहीं हो, बहुत आराम से फिर बारीक हो जाएगा। चाकू से अगर आप बारीक काट सकते हैं तो काट लीजिए, जितना बारीक काटेंगे उतना अच्छे से जार में घुमाना आसान होगा। तो सभी को काट करके और फिर जार में घुमा देते हैं, कुछ इस तरह से काटेंगे और इस तरह से जार में डालकर एक बार में घुमा दी तो। और यहाँ पे कॉटन का कपड़ा, यानी मलमल का, या फिर ले लीजिए, और मुझे यहाँ पे इस तरह का डब्बे का ज़रूरत पड़ेगा, तो इस तरह से डब्बे में इसे मैं डाल करके निचोड़ दूंगी। तो एक बार और इसे भी पीस लेते हैं, उसके बाद इकट्ठा इसे निचोड़ेंगे और दोबारा फिर से पानी डालेंगे और फिर से अच्छे से निचोड़ देंगे, ताकि सारा दूध जो है अच्छा से निकल जाए। और ऐसे करके दूध पूरा निकाल लेना है। और ये अभी मैं क्या करूँगी कि एक बर्तन में नीचे ठंडा पानी रखेंगे और इस डब्बे में एक टॉवल को या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा जो फ्रेश हो, इसे गीला किया करना है, यानी ये गीला किया हुआ है, और इस तरह से घुमा के इसके चारों ओर लपेट देना है। लपेट करके अच्छे से
बांध देंगे यहाँ पे ऊपर में, या फिर इस तरह से फंसा देते हैं, खुलना नहीं चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे एक रस्सी बांध दें या फिर रबर लगा दें, और फिर इस पे हमें इसे रख देना है। इसमें क्या होगा, और ये ठंडा ठंडा जब हवा लगेगा तो ये पूरा ठंडा होगा, और ठंडे की वजह से इसमें जो मलाई होगा वो ऊपर आकर बैठ जाएगा। और आपको इसे छत के ऊपर यानी ऐसे खुले जगह में रखना है जहाँ से रात में ठंडी हवा लगे और ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। दूध की मलाई जो मैं निकालती हूँ यानी बटर निकालती हूँ और घी बनाती हूँ, तो सेम इसी प्रोसेस से करते हैं, तो इसलिए इसका भी जो मलाई निकालना है इसी प्रोसेस से कर रहे हैं और निकालेंगे। तो इसे आज एक रात के लिए मैं पूरा छोड़ दूंगी ठंडी हवा में, और इसे मैं रात भर ठंडी हवा में छोड़ दी थी, और जो खिड़की का छज्जा होता है ना उसके ऊपर रख दी थी। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से निकाल करके एक दूसरा बर्तन, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा मुंह इसका बड़ा हो, और एक बड़ा इस तरह का चम्मच लेंगे और ऊपर से धीरे धीरे निकालते जाएंगे। इस तरह से ये जो मलाई जैसा निकल रहा है इसे हम अलग बर्तन में जमा कर लेंगे। और इस तरह से कुछ ये निकल गया है, और ये देख रहे हैं आप, ये पानी अलग हो गया। अभी इसे ठंडी पानी पानी बहुत ठंडा है छत पे जिस तरह से मैं रख दी थी, तो इसमें अभी थोड़ी देर में फिर से थोड़ा ऊपर आएगा, तो थोड़ा बहुत जो होगा हम निकाल लेंगे। और इस तरह से ये बिल्कुल जो भी मलाई था इसमें पूरा का पूरा निकल गया और ये अलग हो गया है। तो इसे अभी हमें क्या करना है कि रूम टेम्परेचर पे यानी कि एकदम नॉर्मल, ना ठंडी हवा में रखना है ना कुछ करना है, ढक करके दिन भर इसे छोड़ देंगे इसी तरह से, जिससे कि ये थोड़ा फर्मेंट भी हो जाएगा। और जब दिन भर इसे रखा गया है उसके बाद आप देखिए कि इस तरह से इसमें तेल दिख रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल तेल अलग हो रहा है। तो अभी भी हम अब क्या करेंगे, जिस तरह से कल इसे कपड़े में बांध करके रख दी थी मैं, उसी तरीके से आज फिर रख दूंगी। तो रात के ठंडे में फिर से हमें रखना है यानी हवे में, तो यहाँ पे इसमें फिर से गीला तौलिया बांध दे रहे हैं। इसे गीला करके इस तरह से लपेट देंगे, और फिर से यहाँ पे पानी लेकर के हमें इस तरीके से अब रख देना है, जिससे कि पानी सोख होगा और ये जब टॉवल गीला होगा तो जो अंदर है वो भी ठंडा हो जाएगा। और इसे आज फिर रात भर वैसे ही खिड़की के छज्जे के ऊपर रख दे रहे हैं, और रात भर रखने के बाद फिर से इसे हम छत से लेके आए हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से ये जमा है। तो अब देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर से जम चुका है, तो इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे हटा देते हैं। भाई ठंडा पानी का ज़रूरत नहीं है, पानी इतना ठंडा हो जाता है छत के ऊपर। और इसे एक चाकू की मदद से हमें इस तरह से निशान बनाते हुए इसे निकाल लेना है। तो अलग इसे निकाल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फोक का मदद ले लीजिएगा या किसी इस तरह का चीज़ से। आप देख रहे हैं बिल्कुल किस तरह से जमा हुआ है, और इसे अब पिघलने देना होगा, मतलब पिघलने का थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हो सके तो दिन में जब धूप आएगा तब हम इसे हल्का सा धूप में रख देंगे, और जब पिघलेगा तो जो इसका तेल है वो निकलने लगेगा, उस वक्त हम इसमें से तेल को जिस चीज़ में भी आपको रखना है स्टोर कर लीजिएगा। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सुबह के टाइम में ही हमें दोनों प्रोसेस करना है, यानी कि जब हम रात भर रखेंगे तो
पांच से छह के बीच में, यानी सबसे ज्यादा जरूरी है धूप नहीं आना चाहिए, तो 5 से 6 के बीच, 6:30 तक तो सूर्योदय होता है, तो इस बीच में आप ये जो उस दिन भी छत के ऊपर जब मैं रखी ठंडा होने के लिए तब, और आज फिर, दोनों दिन आपको ये काम सुबह सुबह करना है, तभी इस तरह से आपको ये घी सॉरी तेल जो है मिलेगा। और जो बाकी पानी है उस दिन भी पानी निकला, और ये पानी क्योंकि ये बिना फ्रिज का था, तो आप इस पानी को खाने में यूज़ मत कीजिएगा, लगे तो आपके घर जो पेड़ पौधे होंगे, झाड़ होगा, जो भी लत वगैरह होगा उसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि ये भी हेल्दी वाटर है, तो इसका यूज़ वहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल आप देख रहे हैं कि तेल अभी तैयार हो गया, नीचे जो है जैसे घी बनाते हैं तो नीचे कुछ घी पकाने के बाद जला हुआ हमें मिलता है, पर ये यहाँ पे कच्चा मिला हमें, तो तेल आपको स्टोर कर लेना है किसी जिस किसी में बर्तन में आप रखना चाहें या किसी के बॉटल में। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा टेढ़ा करके रखी हूँ पहले से ही, और इस तरह से लेंगे, चम्मच से चाहें तो चम्मच से निकाल लें, और इस तरह से छन्नी से चाहें तो, यानी ऐसे ही मैं ढाल दूंगी इसको, जो होगा ऊपर से निकल जाएगा आराम से। और इस तरह से बिना फ्रिज का आपने देखा कि हम घर पे तेल यानी नारियल का ओरिजिनल तेल निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये छन्नी बिल्कुल बारीक वाला यूज़ कीजिएगा, तो यहाँ इतना तेल तो ओरिजिनल मिल गया हमें। और इसके बाद हमें चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा जो भी तेल निकल जाएगा उसे हम निकाल लेंगे इस तरह से, तो पूरा तेल पहले निकाल लेते हैं। और ये दो नारियल से मैं बनाई थी, तो आप देख रहे हैं दो नारियल से इतना तेल मिल गया, तो मुझे भी कच्चा तेल का ज़रूरत था, तो अब बिना बिना फ्रिज का बनाना थोड़ा सा लग रहा था दिक्कत, लेकिन मैं इसी तरीके से मलाई से बटर निकालती हूँ और फिर घी बना लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने वैसे ही कोशिश की और बिल्कुल सही तेल निकल गया। तो आप भी बिना फ्रिज का इस तरह से निकाल सकते हैं, और वैसे तो जो दूध निकलता है नारियल का, और फिर जो मलाई ऊपर से मलाई या बटर बोल लीजिए वो निकल गया, तो उसे पका के और तब भी तेल तैयार होता है, तो यहाँ पे जो ये बच गया हमारा, क्योंकि और बच गया है, लेकिन देख रहे हैं इसमें काफ़ी तेल है, पर ये जब ऐसे निकालने से क्या होता है कि साथ में ये वाइट कलर का जो पार्ट है वो तेल में आ जा रहा है, तो इसे ना जैसे बटर को पकाते हैं वैसे ही पकाएंगे। यहाँ जर्मन का बर्तन लेंगे, स्टील के बर्तन में नीचे से पकड़ सकता है वो, तो इसे इस तरह से डाल करके पका लेते हैं, और जो घी जो तेल बचेगा उस तेल को स्किन में लगा करके आप यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से ये भी मतलब कि यूज़ हो जाएगा। तो इसे पहले मैं पकाती हूँ, और जब इसे पकाया गया तो आप देख लीजिए इसमें तेल इसमें भी निकल गया, तो इसे हम स्किन पे लगाने के लिए यूज़ कर लेंगे, क्योंकि पका हुआ तेल बालों में नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से कोकोनट ऑयल जो बिल्कुल प्योर है निकल गया है, और आप भी निकाल सकते हैं अपने घर में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। और जब इसे पकाया गया तो आप देख लीजिए इसमें तेल इसमें भी निकल गया, तो इसे हम स्किन पे लगाने के लिए यूज़ कर लेंगे, क्योंकि पका हुआ तेल बालों में नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से कोकोनट ऑयल जो बिल्कुल प्योर है निकल गया है, और आप भी निकाल सकते हैं अपने घर में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।